जिले की मुश्किल कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। मंगलवार को हिसार में 3 और कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। इनमें से 2 हिसार के गांव बड़ाला और तीसरा व्यक्ति जींद निवासी है। बड़ाला गांव में मिले दोनों पॉजिटिव यहां पहले पॉजिटिव मिले सिक्योरिटी गार्ड की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वाले पेशेंट हैं। वहीं जींद के पेशेंट की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री अभी पता नहीं लगी है। जींद वाले पेशेंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये पेशेंट कुछ दिनों से हिसार के 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे थे। कुछ दिन पहले वह हिसार के जींद अस्पताल में इलाज के लिए आया था। वहाँ उसका कोरोना सैंपल लिया गया। सैंपल का रिजल्ट आने से पूर्व भी वह यहाँ से चला गया। इसके बाद वह व्यक्ति इलाज के लिए हिसार के सर्वोदय अस्पताल में भर्ती हुआ। बताइए डॉक्टर साहब, जो ये यहाँ बडाड़ा के अंदर जो एक पॉजिटिव केस मिला था, उसमें आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई? बडाड़ा केस में जो पॉजिटिव केस मिला था, उसके जो परिवार के मेंबर्स थे, जिसमें उसकी पत्नी, उसकी बिटिया और उसका भाई में से उसकी पत्नी और बिटिया की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिनको हमने पहले ही क्वारंटाइन करवा दिया गया था। वो इस टाइम पे हिसार आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। अब उनको कोविड हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। बाकी पूरे गांव में हमारी 19 टीमें सर्वे कर रही हैं, जिनमें से आज हमने 42 लोगों के सैंपल प्राप्त करके टेस्टिंग के लिए भिजवाए हैं, जो कि उनके कॉन्टैक्ट थे या फिर जिनको कोई ILI के सिम्टम्स, फ्लू के लक्षण पाए गए। तो क्या ये जो 2 पॉजिटिव केस बडाड़ा के अंदर और मिले हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? स्वास्थ्य विभाग पहले दिन से ही अलर्ट पाया गया था, तभी इनको हमने पहले पेशेंट पॉजिटिव आते ही उसके परिवार वालों को हमने क्वारंटाइन में शिफ्ट करवा दिया गया।